हेलो गाइस, आप सभी का बालक की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू और बाथू से पराठा बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आलू और बाथू से पराठा बनाना। आलू और बाथू के पराठों बनाने के लिए ये हमने 5 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको हमने छील लिया है, और ये हमने बथुआ लिया है। ये हमने 250 ग्राम के आसपास बथुआ लिया है। इसको धोकर और साफ़ करके ये हमारे पास 200 ग्राम के आसपास बथुआ, और इसको हमने बारीक कट कर लिया है। ये हमने लहसुन लिया है, 8 से 10 कलियां ली हैं, इसको बारीक कट कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं, इसको भी बारीक कट कर लिया है। 1 बड़ा प्याज लिया है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। ये हमने आटे को पहले से ही गूंद के रखा हुआ है। तो आइए पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसी के अंदर मैं ये आलू को फोड़ लूंगी हाथ की मदद से। को हमने मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ये प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डाल दूंगी। मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच, और 1 छोटा चम्मच मैं इसमें जीरा डालूंगी। इसे मिक्स कर लूंगी हाथ की मदद से, और ये हमारा पेस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये मैंने तवे को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अब मैं ये आटे का एक पेड़ा ले लूंगी। थोड़ा सा बेल लूंगी, इसे मैं बेल लेती हूँ। मैं चम्मच की मदद से ये पेस्ट भर लूंगी और इसे मोड़ लूंगी, इस प्रकार से बंद कर लूंगी इसे मैं। और अब मैं बेल कर तैयार कर लूंगी इसको। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे। पराठे की हमने साइड को चेंज कर दिया है। और ये हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इस पराठे को एक प्लेट में सर्व करूंगी। ये हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। ये आलू और बथुए का पराठा बनकर तैयार हुआ है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।